ओके वेलकम बैक। हाँ तो मैं रुकिए पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ मैं बता रहा था आपको, अगला जो है बॉर्डर। सो बॉर्डर में सेम वैसे वही चीज है, बस खाली आप उसके अंदर फाइल का नाम, मैं वहीं पे मैंने सेव किया वही मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, 22.jpg। फिर दूसरा दे देते हैं 23.jpg, और बाकी सब आप वो वैसे ही है। यहाँ पे क्लास W3 बॉर्डर हो गया, बॉर्डर है नॉट बॉर्डर्ड। और इमेज के में आप जब बॉर्डर लगाएंगे और वो जो बॉर्डर आप पीछे यूज कर रहे थे दोनों में, ये फर्क यहाँ पे इमेज के सराउंडिंग बॉर्डर होगा, और वो क्लास उसके अंदर टेबल में या आप उसमें बॉर्डर कर रहे थे उसका काम जो हो रहा था वो बॉर्डर जानते ही हैं। लेकिन इसके अंदर जो और चीज ऐड होगी वो है उसकी पैडिंग, यानी बॉर्डर के बीच में उसकी पैडिंग यूज होगी। और पैडिंग दो अलग अलग यहाँ पे करके यूज की गई। पैडिंग आपने CSS में किया, पैडिंग इक्वल टू 4px:, और विड्थ इक्वल टू 50%, इसकी साइज होगी। तो विड्थ से आप साइज जो कि पीछे वाले क्लास में कर रहे थे, और यहाँ से पैडिंग, तो हमने ये इस तरह से दे दिया। सेव करते हैं इसको और इसको ओपन करते हैं। ये देखिए बॉर्डर, मैं जूम करता हूं तब ये दिखेगा, दिस इज अ बॉर्डर। और वो जो उसके अंदर पैडिंग दी हुई है, वो पैडिंग जितना आप वो करेंगे, इसके अंदर पैडिंग देखिए ज्यादा है तो ये ज्यादा बेटर दिख रहा है, दिस इज अ पैडिंग। ये देखिए पैडिंग, पैडिंग इसमें ज्यादा है, पैडिंग इसमें 16px दिया हुआ है तो पैडिंग वो आ रही है। अब यहाँ पे एक और चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप कर दें W3 रेड, क्योंकि क्लास में दोनों क्लास है तो दो क्लास एक साथ होगा, और अलग अलग ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे एक बग बंद कर दिया दूसरा क्लास है क्या अलग ना। जितने भी इसके W3.css के क्लास हैं वो सारे क्लास आप लिख सकते हैं जितने भी तरह के हैं, बट उनकी क्लास के बाद इक्वल साइन और सारे क्लास को लिखने के बाद फिर ये बंद करेंगे और हर क्लास के बीच में स्पेस होगा। ये बेसिक चीजें याद रखिएगा। ये देखिए तो और थोड़ा सा एक स्टाइल हो गई। तो ये सब स्टाइल है जो कि इनोवेशन है आपकी, उसके ऊपर है कि आप इसमें किस किस तरह से कैसे बना रहे हैं, किस तरह की इमेज है, आप किस तरह से बॉर्डर लगा रहे हैं। अभी आप अगल बगल कई सारी इमेज लगा दीजिए और आप ना फिर अलग अलग बॉर्डर कर दिए तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा हो गया, एक आई कैचिंग सा लगेगा। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो नई जो चीज हो रही है हमने ये ऐड कर दिया, हमने पैडिंग ऐड कर दी, यहाँ पैडिंग कम थी तो पैडिंग कम आई। इस पैडिंग के अंदर हम भी कलर कोई लगा देते हैं तो वो दिखेगी नहीं, कुछ डार्क शेड दे दे तो दिखेगा। W3 यहाँ पे दे देते हैं ब्लैक, आप लोग याद होगा बॉर्डर जब HTML में दे रहे थे इमेज के बगल में तो सिर्फ एक ब्लैक बॉर्डर आ रहा था, सब लोग कहते सर ये ब्लैक आएगा और कुछ कलर चेंज नहीं होगा। तो वाकई HTML में उस वक्त नहीं था, और बाकी आपके पास आ गया कि जितना चाहे तरह का बॉर्डर लगाइए। अब यहाँ पे ये ब्लैक बॉर्डर बाय डिफॉल्ट यही आता है, आप चेंज कर लीजिए, ग्रीन कर लीजिए, वॉलेट कर लीजिए, पर्पल कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। सो दिस इज अ बॉर्डर। अब आ जाइए नेक्स्ट। हाँ पहले कोड बोल रही थी वो, तो कोड में भेज दूं, कोड कौन सा, इसके पहले वाला सारा कौन सा भेजूं, सारा तो आपके लिए बना ही रहे हैं ये बैठ के, ये जो पूरी बना रही है मैं अपने लिए नहीं बनाया, वो सब कॉपी पेस्ट का। मुझे इसको बनाने में बस ये मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा पूरा का पूरा, इतना 13 पेज की फाइल बनाने में, क्योंकि सब कॉपी पेस्ट, बस खाली एक एक पॉइंट वहां चेंज हो रहा है, क्लास का खाली नाम चेंज हो रहा है, इमेज वो इमेज मैंने कॉपी पेस्ट क्योंकि समझाने के लिए। तो मैं कौन सा भेजूं, कौन मांग रहा था,
मैं विश मांग रही थी। यस सर। कौन सा बताओ, ये वाला कि इसके पहले वाला, इमेज का सारा, दो ही तो बताया अभी। सर यही भेज दीजिए। ठीक शफक, आपको सेंड कर रहे हैं, आप शेयर कर देना। यस सर। एक ये दे दिया, दूसरा इससे पहले वो सर्किल वाला भी दे देते हैं। बहुत आसान है ये बिल्कुल, इसके अंदर आप लोग वो होने की जरूरत नहीं है। सर हम लोग को नोट्स कैसे मिलेगा? नोट्स कैसे मिलेगा? वही भेजेंगे, वो ग्रुप में भेजेंगे, आप लोग को मिलेगा इसकी वर्ड की पीडीएफ फाइल या वर्ड की फाइल। लिखवाने खाने का टाइम तो रहा नहीं, या खुलेगा तो आइएगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करूँ कि अब बोल बोल के लिखवाऊँ तो पता लगे एक दिन में दो टॉपिक का नोट्स होगा। मंडे को बुलाया था, मंडे को मैं भी वहाँ भेज रहा हूँ, तो मैं भेजूंगा। एक मिनट पहले एक कोड भेज, और ये जो भेज रहा हूँ ये आपका वो वाला है, अवतार की लिस्ट का है, ठीक है, जो आपको क्लोज करना है। यही मैंने तीन बताया है ना, आज यही तीन हुआ है, ठीक है। तो पहली ये जो थी कि अवतार लिस्ट थी, फिर ये था, फिर एक मैं विश 271 बनाई थी फाइल, वो ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इमेज एज ए कार्ड, इमेज में आपको कार्ड यूज करना है तो वो क्या है वो भी देखिए। उसके बाद टेक्स्ट कार्ड, वही चीज है, कोई नया नहीं है। इसको सेव एज कर रहा हूँ, मैं विश बंद कर दे रहे हैं, बंद करना आसान रहेगा। सेव करता हूँ मैं, स्पैनिश फोन। इसके अंदर इमेज लगाते हैं, इमेज अभी चेंज नहीं किया है। इमेज हम यहाँ पे दे देते हैं, sample2.png और sample4.png। ये है, ये कार्ड के उसमें बन के आ रहा है। ये देखिए इसके अंदर क्या है, जो नीचे नाम लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे इस तरह से नाम होगा, मोर शेडो, यहाँ पे कार्ड और बन गया, ये नाम आ रहा है। इसको बढ़ाता हूँ, रुकिए, इसको एक एक चीज को पहले बता देते हैं। फिर तो आपका यहाँ पे कंटेनर डिव, एक ऊपर डिव यूज करेंगे पहले इमेज के ऊपर, जिसमें आप कार्ड, चूंकि कार्ड को हमको देना है तो कार्ड हम ऊपर अलग से देंगे, IMG के अंदर कार्ड नहीं देंगे, ठीक है। डिव क्लास, क्लास इज इक्वल टू कार्ड, क्योंकि इसके ऊपर कार्ड का इफेक्ट देना, और विड्थ स्टाइल, जो इमेज उसकी विड्थ होगी, कार्ड की है ये कार्ड की विड्थ को बता रहा, और यहाँ पे इसके अंदर इमेज की विड्थ का है। फिर इमेज में आए, हमने फाइल का नाम दिया, आल्ट में आप दे दिए जो भी, हम यहाँ पे आल्ट में ये पर्सन की बजाय कोई नाम दे दे रहे हैं, मान ली टेंस। स्टाइल विड्थ ये दे दिया, ये दे दिया, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। ठीक है, एक नहीं कर रहा हूं। ये जो फोर्क शेडो का, वो तो आपको मालूम ही है, शेडो का वो आ रहा है, बड़ा कर रहा हूँ तो दिखेगा। कार्ड, क्योंकि मैंने कार्ड दिया तो इसके यहाँ पे शेडो यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे हमने W3 कार्ड सिर्फ यूज किया, यहाँ पे हमने कार्ड फोर कर दिया है,
आपको फोर पीछे कार्ड का, यहाँ पे सिर्फ कार्ड दिया है तो बहुत हल्का सा है, देख रहे हैं आप, और वो भी यहाँ नहीं, बगल में, इमेज के बगल में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको ये। और आप देखते होंगे इस तरह का कार्ड बनाते हैं, कोई इमेज है उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं तो वो इस तरह से आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मोर शेडो किया तो ये शेडो और थोड़ा ज्यादा है, वो देखिए अगल बगल यहाँ पे दिख रही है, जब दूसरा हम यूज करेंगे तो उसके नीचे का वहां पे जो नाम दिया है तो इस तरह से, तो कार्ड एज ए मतलब इमेज एज ए कार्ड, हालांकि ये उसी का उसी टाइप का है, कोई टाइप नहीं है, टाइप तो राउंडेड था, सर्किल था और बॉर्डर था, ये तीन, बट ये कार्ड उसके अंदर मैं एक इफेक्ट दे रहा हूँ, ये टाइप में नहीं है, इमेज को एज ए कार्ड टाइप। मेन बेसिकली जो मैंने बोला था फोर प्राइमरीली टाइप इज राउंडेड, सर्किल, बॉर्डर एंड टेक्स्ट, ये आपका हो गया, इसको भी भेज देते हैं। आप लोग कंप्यूटर पे इमेज रखिए और इसके ऊपर करिएगा ये सब इमेज, पेंगुइन्स क्लिप्स क्लिप्स बड़े अच्छे से कुछ शॉर्ट वो सब लिखा। एक मैं और यही पे यूज कर दूं, यहाँ पे देखिए ये जो शुरू हो रहा है आईएमजी, यहाँ से ड्यू से शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म है, ये ध्यान दीजिएगा। डी आर मैंने यूज किया है तो दूसरा आया है, डिव क्लास इज इक्वल टू कार्ड, फिर आईएमजी का दिया, वो आईएमजी को देने के बाद बाकी जो ये दो चीज आप लिख रहे हैं वर्ड, वो कंटेनर में आएगा, वो अलग से कंटेनर होगा, इमेज अलग होगी, ये इसका कंटेनर अलग होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और फिर इसका कंटेनर यहाँ पे क्लोज हुआ और फिर ये इसका कंटेनर है, तो ये सारी चीजें कार्ड के अंदर हैं, जिसकी विड्थ 50% है, अगर यहाँ पे विड्थ 100% कर दिएगा तो पूरी स्क्रीन पे वो होगी, मैं कर देता हूँ, चलिए करके दिखा देता हूँ, यही इसके अंदर समझाना है बस, ठीक है। तो अब आप समझ जाइए पूरे कार्ड का, कार्ड की स्टाइल, कोई शेडो कम शेडो है, कार्ड की विड्थ कितना बड़ा कार्ड होगा, फिर इमेज क्या, फाइल का नाम SRC, उसका अल्टरनेटिव नेम और उसकी विड्थ, इमेज कितनी बड़ी होगी 100%। उसके बाद ये जो नीचे कंटेंट लिखा जा रहा है वो कंटेनर में है दोनों, तो ये हमारा H4 में है, बोल्ड है, ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ में है, फिर डीप क्लोज सेम ये चीज यहाँ पे है, तो नथिंग एल्स, कुछ भी यहाँ पे फर्क जैसे नहीं। अब ये देखिए कार्ड पूरी स्क्रीन पे आ गया, तो जितना बड़ा आप वो करेंगे उतना बड़ा कार्ड आप 25% कर दिए तो उतना बड़ा रहेगा। इमेज और दोनों कार्ड और दोनों इमेज को 25-25 रख रहा हूँ, हालांकि ये इसको ज्यादा ही रखना पड़ेगा, दोनों बराबर नहीं होगी, इसकी विड्थ हम 75 करते हैं, इसे थोड़ा छोटी रखिए क्योंकि दोनों बराबर रहेगी तो वो उससे पता नहीं चलेगा। अब ये देखिए ये आपकी कार्ड की साइज हो गई और ये आपके अंदर इसके अंदर इमेज, तो जाहिर सी बात है ये पता नहीं चलेगा, तो बराबर फिर रखेंगे तो फिर आपका उस तरह से आएगा जैसे आ रहा था। जैसे पहले बराबर बराबर था, अभी देख रहे हैं ये 25 हुआ ये, तो आप उसी हिसाब से अपने इमेज को और उसको बढ़ा रहा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पहले बाय डिफॉल्ट लिखा था, हमने कई साइज अलग अलग करके वो किया था, इसके अंदर देखिए विड्थ हमने कम रखी थी और ये इसकी बढ़ाई थी, ताकि वो उल्टा रिवर्स किया था, ताकि वो पूरे के अंदर फिट हो। तो ये जो कार्ड था ये 50% और ये 100%, तो विड्थ का मतलब इमेज अपनी फुल साइज में आए, इमेज को हमें छोटा नहीं करना है, तो इमेज अपनी फुल साइज में यहाँ पे कर लिएगा तो वो पूरे उस कार्ड के अंदर आएगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये होगा कि विड्थ उस कार्ड के अंदर अगर आपको चाहिए तो हमेशा ये कुछ भी रखिए, ये कुछ भी इसके अंदर फिट हो गया है, और बाकी जो है नीचे जो मैटर है वो इस तरह से आएगी। हमने इसको जूम किया हुआ है ना
100% पे करेंगे तब ये आपका सही होगा। ये दिस इज द ओरिजिनल वे। तो आपको इससे एक बनाइए इस तरह का, तो आपको पता चले। अगर बी आर नहीं यूज कर रहे हैं तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इफ यू रिमूव बी आर व्हाट विल हैपन यू सी। मैंने बी आर नहीं लगाया, ठीक है, बी आर नहीं लगाया तो ये यहीं पे मिल गया, बस बी आर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपको अगर इसी के ठीक बगल में लगाना है तो इसको टेबल के अंदर या लिस्ट वो बना के कर सकते हैं, सेल बना के, और टी डी जो करके बना रहे हैं पूरा का पूरा उसके अंदर पेस्ट कर दिया, यानी टी डी के अंदर टी डी लिखा इधर टी डी है, उसके अंदर जो आप लिखते हैं कोई कंटेंट अपना नाम वो पूरा का पूरा यही क्लास उठा के पेस्ट कर दिएगा, तो उस सेल के अंदर ये बन के आएगा, समझ गए। तो सेल के अंदर बन के आएगा, हालांकि एक आगे है अभी जो आज इतने वक्त नहीं हो पाएगा इस सेशन, बट शाम को मैं वो खत्म कर दूंगा। और वो है बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है कि आप पूरा एल्बम जो बनाते हैं, एल्बम आप कोई एल्बम बनाते हैं तो एक एल्बम में कई सारी इमेज है अपने कॉपी उपी पे, पता नहीं आप लोग स्कूलों में ऐसे किया होगा, हम लोग ऐसा बहुत बनाते थे। और पहले एक एल्बम एल्बम का एक वो जैसे ड्रॉइंग का ड्रॉइंग रजिस्टर ड्रॉइंग की कॉपी आती है ना, ड्रॉइंग की, तो ऐसी ड्रॉइंग की कॉपी आती थी और उसका वो अभी भी आता है, वो पेजेस ब्लैक ब्लैक होते थे और थोड़ा थिक होते थे, तो उसमें हम लोग क्या है स्टैम्प कलेक्ट करते थे, स्टैम्प लगाते थे, और हम लोग तस्वीरें जैसे किसी, हालांकि तब इतनी ऐसी तस्वीरें नहीं थी आजकल जैसी तस्वीरें मैगजीन वगैरह के अंदर, तब कम मैगजीन आती थी, हम लोग पुरानी मैगजीन या वहाँ ढूंढ के उसके अंदर जैसे हमको एनवायरमेंट का दिया कुछ बनाना है एनवायरमेंट की तस्वीरें काट के और एक साइज की हम लोग वो ब्लैक वाले ड्राइंग पेपर पे लगाते थे, उसके नीचे कागज से हाथ से नाम लिख के फिर उसको गम से चिपकाते थे या पिन होती थी पिन से उसको लगाते थे, बहुत मेहनत। ये को करिकुलर एक्टिविटीज हम लोगों ने बहुत की है, अब तो शायद एकदम इस जमाने में मोबाइल है सबके जमाने में सारी चीजें जैसे गुम हो गई है, तो ये वैसी ये देख के मुझे वही याद आता है कि हम लोग ऐसे एक तस्वीर लगा के और उसके नीचे ऐसे कुछ लिख के कागज पे लिख के और लगाते थे अलग अलग कलरफुल, तो इसका फॉन्ट का कलर भी आप कर सकते हैं, ये अलग कलर ये अलग कलर, ये सारी चीज अब कंप्यूटराइज और वो सब हो गई है। तो ये मैंने अभी भेजा, ये वाला भेजा कि नहीं आपको अभी कार्ड वाला, नहीं भेजा, भेज देते हैं। भेजा होगा तो रिपीट हो जाएगा, चलिए कौन चला गया, मैविश, नुसरत, शफक, शिवांगी, शुभम, श्रेया चली गई क्या, श्रेया और कोई दो लोग चले गए, बस इसी सेशन में। हाँ तो अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका है, हम लोगों ने कार्ड देख लिया था, इमेज एज ए कार्ड, इमेज का टेक्स्ट, अब अगला है टेक्स्ट वाला। अब टेक्स्ट का हम आपको दिखाते हैं, एक ही पोजीशन के अंदर सब कुछ ये हो जाएगा, सो ये लेते हैं फाइल न्यू और इसमें क्या है देखिए, बाकी कंटेनर वगैरह के बाद यहाँ पे क्लास डिव में डिस्प्ले कंटेनर, क्योंकि ये कंटेनर का डिस्प्ले है, क्या डिस्प्ले है ये थोड़ा सा अलग कैसा दिखेगा ये अभी आते हैं आउटपुट पे तब बताते हैं। W3 टेक्स्ट वाइड, हमारा टेक्स्ट वाइड में रहेगा। img यहाँ पे इमेज हम दे देते हैं, और इमेज में हम दे देते हैं यहाँ पे twenty three dot jpg, alt यहाँ पे हम दे देते हैं
जो ताजमहल की तस्वीर है ना, ताजमहल बट हम 100% दे रहे हैं, और अब बाकी हमें और कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे हम इसी के आगे लिख दे रहे हैं। ताजमहल मैंने जो अभी आपको 9 टाइप के बताया था, ये वही चीज है। तो सबसे पहला क्या देखिए, टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट है, बॉटम है, बॉटम लेफ्ट है, फिर बॉटम राइट है, लेफ्ट है, राइट है, मिडिल है, उसके बाद टॉप मिडिल है, बॉटम मिडिल है, ये सारा। अब इसका आउटपुट देखता, और कुछ नहीं है ये, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है सिवाय वो इमेज ले लेना है, उसके अंदर डिप करके कंटेंट लिखना है। इसका आउटपुट देखिए, फिर और इस पे बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे व्हाइट है, चूंकि ये हम कंटेंट इसका बदलते हैं, राइट में ताजमहल आ रहा है, बॉटम में बॉटम राइट में ताजमहल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और यहाँ पे ये सारा आ रहा है। ये चूंकि यहाँ व्हाइट एकदम तो दिख नहीं रहा है ये, ठीक है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे आके, और ये जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेक्स्ट को व्हाइट के बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं रेड, व्हाइट के ऊपर वो छिप जा रहा है, टेक्स्ट व्हाइट रेड, तो किस कलर में चाहिए वो ये है। तो डिस्प्ले कंटेनर का मतलब है कि इमेज के ऊपर लिख के आ रहा है, क्योंकि डिस्प्ले कंटेनर एक कंटेनर जो आप कर रहे थे वो कंटेनर के अंदर होल्ड कर रहा था, डिस्प्ले कंटेनर ये चीज डिस्प्ले कराना है, और क्या कराना है वो कलर में यहाँ पे दिया हुआ, वो इसीलिए डिप क्लास ऊपर भी दिया गया, और ये सारा कुछ ये मेन कंटेनर के अंदर है, ये नहीं कि वो कंटेनर हट जाएगा, ये ओवरऑल कंटेनर तो ऑलमोस्ट हर पेज के अंदर है, ऑलमोस्ट 100% ऑलमोस्ट क्या हमें क्या 100%। अब ये देखिए टॉप लेफ्ट टॉप मिडिल, अब मैं तो ये नाम इसलिए रखा हूं कि पता चले ये टॉप लेफ्ट है एकदम टॉप पे लेफ्ट पे, ये टॉप में मिडिल पे है, ये टॉप राइट पे है, लेफ्ट है ये, ठीक है, लेफ्ट कहा जाएगा, ये मिडिल कहा जाएगा, और ये राइट कहा जाएगा, ये बॉटम है, बॉटम वाला यहाँ पे लेफ्ट वो है, ये अलग है, ये अलग है। अब इसको भी अगर आप कलर अलग अलग करना चाहें, ऊपर तो आपने कर दिया, इसको कलर अलग अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे, कौन बताएगा, इसको अगर कलर करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो बताएगा शिवांगी, शिवांगी नहीं है? यस सर। बताओ देखो, तो ब्लैक आ गया ये। अरे जी बहुत आसान है, हैं? कैसे आप लोग भूल गई हो, आप देखो ना यहाँ क्या किया मैंने, ये देखो यस सर एचटीएमएल में किया था, याद आ गया। तब तो फॉन्ट मैंने, अब चूंकि ये चीज पैराग्राफ के अंदर लिखी थी, ठीक है, बॉटम मिडिल था, ये पैराग्राफ के अंदर लिखी थी, अगर ये पी है इधर पी है, तो हमने इस पी को पैराग्राफ को फॉन्ट के अंदर कर दिया, और फॉन्ट के अंदर कलर देके ब्लैक कर दिया, क्योंकि तस्वीर में कोई चीज अगर यहाँ छिप रही है, अब यहाँ पे रेड छिप रहा है, तो आप ये चाहोगे ना कि ऐसा है, यहाँ पे व्हाइट है तो रेड चल जाएगा, यहाँ पे भी है, अगर आपको लग रहा नहीं चलेगा तो ऐसा कलर दीजिए,
अकॉर्डिंग टू इमेज, जहां पे इमेज का वो नहीं है वहां पे आप उसका कलर चेंज कर सकते हो ऐसे। वो बेसिक एचटीएमएल कभी खत्म नहीं होगा, जो बेसिक चीजें हैं वो पुरानी चीजें हैं, चाहे कोई भी वो आ जाए ना, वो क्या बोलते हैं जेट एयरवेज आ जाए और इतने हाई वाई और बुलेट ट्रेन आ जाए, बट साइकिल कभी खत्म नहीं होगी दुनिया में, मालूम है कि नहीं, साइकिल हमेशा रहेगी। तो ऐसे ही एचटीएमएल का वजूद खत्म नहीं होगा, किसी भी लैंग्वेज वो आ जाए एचटीएमएल उसके बाद। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट का, यही मेन चार टाइप के हैं। अब एक है रिस्पॉन्सिव इमेजेस और उसका है ओपेसिटी। ओपेसिटी आप पीछे कर चुके हैं, इमेज को घटाना बढ़ाना, ये इमेज का क्लास नहीं है बट ये हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रे स्केल है, हम इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कलर डिस्कार्ड कर सकते हैं जैसे फोटोशॉप में बताया था। और उसके बाद एक और इसी का टाइप है सीपिया करके है, उसी शेड में है एक। उसके बाद इमेज का होवर इफेक्ट है, होवर वाला तो बताएंगे। और फिर उसके बाद है ओपेसिटी ऑफ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग ए फोटो एल्बम, ये है सबसे। ये शाम के क्लास में हो जाएगा, बस अब ये वाले क्लास सेक्टर में रहने दीजिए क्योंकि हम लोग कायदे से देखा है तो ढाई एक सेशन में तो हम लोग खाली बैठ के लेक्चर किए हैं, वो खाली काउंसलिंग और क्या क्या हुआ है सारा कमेंट हो रहा था। वो मैं भी चली गई। नुसरत पढ़ाई कर रही है कि नहीं, तैयारी हो रही है? यस सर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, एकदम आप लोग की मेहनत कीजिए। मैंने अपने एंड से जितना मेहनत करना था मैंने कर दिया। आप लोग अच्छा, नुसरत आप ट्विटर पे हैं कि नहीं है? सर है लेकिन बंद कर दिए, वो चलाते नहीं है ना। नहीं नहीं, ट्विटर आपने जिस दिन मैंने ट्विटर पढ़ाया था, आप उस दिन ट्विटर का क्लास की थी कि नहीं की थी? किए थे सर। अकाउंट बनाया था? यस सर। तो फिर क्यों डिलीट कर दिया? सर चलाना ही नहीं था तो डिलीट। अरे चलाना नहीं था क्या मतलब, मत यूज करिए, वो पढ़ा रहता तो कुछ आपसे किराया ले रहा था क्या वो आपके मोबाइल में? सर पढ़ा है उसी में। अरे पढ़ा क्या मतलब, अकाउंट डिलीट किया है कि वो मतलब यूज नहीं कर रहे? नहीं सर, लॉग आउट बस कर दिए इसको। लॉग आउट कर दिए थे, लॉग इन कर लिएगा, वो पासवर्ड वासवर्ड नहीं ना भूली है? नहीं सर। नहीं मैं एक इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक वो उसमें मैं पोल करने वाला हूँ। अच्छा सर। वो पोल करने वाले सब लोग पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। आसिफा आप एक ट्विटर देखते का फुर्सत ही नहीं मिलती, कोई देखता है ट्विटर? जब से मैंने पढ़ा है किसी ने देखा है ट्विटर? सर मैं ट्विटर नहीं देती हूँ, कभी कभार बस न्यूज व्यूज अलर्ट में कुछ शो करता है तब देख लेती हूँ। अच्छा नहीं अभी तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है पढ़ाई के लिए ट्विटर अभी देखने को, बट जब कुछ रखेंगे या कुछ करेंगे या कुछ आप लोग को टैग करेंगे तब तो देखेंगे ना, तब तो देखिएगा, तब तो इन्फॉर्म मैं करूंगा। अभी कहाँ, आप लोग अपना तैयारी कीजिए, पढ़िए, अभी बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। अगर समझा दिया समझा दिया, नहीं मैं एक वो पोल और एक वो करने वाला हूँ उसमें करूंगा। तो टाइम मिल रहा है सबका आजकल, टाइम निकल रहा है कि नहीं? सर शाम के वक्त में मुझे आजकल तो डेली 8-8 इस तरह से बच जाता है तो अच्छा, इसलिए मैं शाम वाला सेशन नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ। चलिए तो ठीक है, देखिए जब वक्त मिले तब करके कीजिए। आज तो जिस लड़के ने कॉल किया था मुझे, हैं सब लोग अलग अलग तरह के, तो लोग का ऐसा काम है कि 10 बजे से रात के 10 बजे तक अकेले करते हैं, कोई वर्कर नहीं, चले गए हैं, शॉप है उनकी, और उसके बाद सुबह में 5 बजे पढ़ते हैं और रात में 11 बजे 2 घंटा वीडियो देखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, तो इसमें पॉइंट समझ में आता है। तो हर आदमी बिजी है, कोई फ्री नहीं है, बट यही मेन पढ़ाई का टाइम है कि आप इतना स्ट्रगल करने और सब काम करने के बाद भी करिए। अब वो जमाना एक्सक्यूज आप नहीं कर सकते कि हमको टाइम नहीं मिलता है, उसी में से वक्त निकाल के पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए फिर इतने वक्त का वो यूज किया जाए, शाम को फिर। तो मैंने अभी जो बताया था ये मैंने अभी भेजा नहीं, ये नहीं किया, ये भी कर देते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है और इतने सारे क्लास एक ही इमेज पे
समझाने के लिए मैं 10 इमेज नहीं कर 9 इमेज नहीं खोल के दिखाता, एक ही इमेज पे मैंने सब पे सेट कर दिए एक के बाद एक डिप करके। तो ये वही चीज है छपा का, आप ये सब शेयर कर देना सबको। यस सर। बाहर निकलते हैं इससे, इसको रिमूव कैसे करते हैं? सो साइड में क्रॉस का निशान है ना, वहां कट कर दो ये सर, लेफ्ट साइड ऊपर। अच्छा ये मैंने कहा कि ये क्यों आ रहा है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था। ये आप लोग वेब व्हाट्सएप यूज करती हो शिवांगी क्या? यस सर, मैं लैपटॉप से ही करती हूँ। अच्छा लैपटॉप से ही करती हूँ, अच्छा अच्छा नहीं वेब ये कंप्यूटर पे व्हाट्सएप बहुत यूज है आप लोग को पढ़ाने के वक्त ही मैंने यूज किया, क्योंकि भेजने में आसानी होती है, इससे पहले यूज नहीं किया था। ऑनलाइन पढ़ाते वक्त ये बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैंने इंस्टॉल किया। इससे पहले डेस्कटॉप पे नहीं किया था, मोबाइल पे तो देखने का टाइम नहीं मिलता व्हाट्सएप। तो ठीक है, तो ये हो गया आज का, बस इतना रहने दीजिए और फिर हम कुछ शाम को ठीक है करिए इसको फिर। शाम को हम लोग फिर मिलते हैं, ओके करते हैं क्लास, बाय, अल्लाह हाफिज़।